सोमवार को कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध जताया। इस दौरान विधायक कुलदीप जुनेजा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ सही नहीं कर रहा है। इसको लेकर रायपुर संवाददाता चित्रा पटेल ने विधायक कुलदीप जुनेजा से खास बातचीत की, सुनिए। अग्निपथ के विरोध में हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के व्यापी प्रदर्शन कर रही है। 36 में 71 कांग्रेस के विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा हमारे साथ मौजूद हुए, अपने क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको आप लोग राजनीतिक रूप क्यों दे रहे हो? राजनीतिक रूप कहाँ से दे रहे हैं? राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपने उनको नौकरी दी थी, सम्मान नहीं किया था, लेकिन अब अपमान तो मत करो। अब ये सीधा सीधा युवाओं के साथ अपमान किया जा रहा है कि 4 साल की नौकरी 18 साल के युवक को आप नौकरी देंगे और 22 साल में रिटायरमेंट कर देंगे, पेंशन देंगे नहीं, उसके बाद उसकी शादी कौन करेगा, बच्चे की शादी कहाँ से होगी? ये तो उनका अपमान है युवाओं का। इसके विरोध में कांग्रेस जन आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी ये लड़ाई देश में जारी रहेगी। इस नियम कानून को सरकार वापस लेना चाहिए।